रविवार की दोपहर शिवसेना हिंदुस्तान के बैनर तले बड़ी संख्या में कार्यकर्ता छोटी चौपड़ पर जमा हुए। इन्होंने जोरदार नारेबाजी के बीच प्रदर्शन किया। उनका गुस्सा केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के प्रति था। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल का पुतला फूंका और पाकिस्तान विरोधी नारेबाजी भी की। संगठन के पदाधिकारियों का कहना था कि केंद्र सरकार अलगाववादी संगठनों के समक्ष झुककर करोड़ों हिंदुओं की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, जिसे हिंदू कभी सहन नहीं कर सकता। दूसरी ओर उमा भारती की भारतीय जनशक्ति पार्टी की राजस्थान इकाई ने भी अमरनाथ श्राइन बोर्ड के मामले में आंदोलन का ऐलान किया है। इसके तहत 5 अगस्त से 14 अगस्त तक जिला मुख्यालयों पर धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। इनके माध्यम से अमरनाथ श्राइन बोर्ड के लिए आम लोगों से समर्थन लिया जाएगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रमेश सोनी ने कहा कि राजस्थान के लोग पूरी तरह से जम्मू के लोगों के साथ हैं। इन्होंने कहा कि उनकी पार्टी किसी भी कीमत पर हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी। ये श्राइन बोर्ड की जमीन जो वापस ले ली गई है, उसके बारे में भी हमारा प्रदर्शन होगा, जो कि हम 5 तारीख को बड़ी चौपड़ पे प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देंगे। झगड़ा जमीन का है, सवाल आस्था का है और वजह है राजनीतिक दांव पेच, लेकिन इन सब के बीच पिस रही है आम जनता। आखिर इस झगड़े का अंत क्या होगा?